2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तेज होती जा रही हैं, तो इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम आए हैं एदमातपुर विधानसभा में, जहां हम आहरण जो जगह है एदमातपुर में हम वहां आए हैं। मेरे पीछे ये आहरण चौकी का ये बोर्ड है, हम यहां आहरण चौकी के सामने ही हैं और हम यहां आहरण के जो जनता है हम वहीं इन लोग से जान लेते हैं कि 2022 में जो मुख्यमंत्री का ताज है वो जनता किसको पहनाने के लिए तैयार है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। तो यहाँ मेरे साथ ये जनता के लोग हैं, यहाँ कुछ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। यहाँ युवा मौजूद हैं, मैं इन युवाओं से बात करती हूँ और ये जान लेती हूँ कि 2022 का जो ताज है जनता किसको पहनाने जा रही है। क्या नाम है सर? सत्य प्रकाश। जिस तरह 2022 विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, आप 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको चाहेंगे? अभी तो हम अखिलेश चाहेंगे और का? अखिलेश को ही क्यों? 2022 का जो चुनाव का जो ताज है अखिलेश को ही क्यों चाहेंगे आप? योगी जी को क्यों नहीं? योगी जी ने तो काफी विकास कार्य कराए उत्तर प्रदेश में। योगी ने कहा करो हमें सब पब्लिक है और मरी जा रही है। योगी जी ने अनाज फ्री कर दिया है, जो गरीब जनता है उसके लिए अनाज फ्री कर दिया है। अबे ना मिल लो अनाज हमें। अच्छा, मेरे साथ यहाँ एक भाई और मौजूद, मैं इनसे जानना चाहती हूँ 2022 किसको ताज पहनाना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। ये इनका कहना है कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है और ये योगी जी को नहीं, ये अखिलेश यादव को करेंगे। आप इनको ये पूछिए किया क्या नहीं है, एक वर्ड पूछे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। अरे गैया सवारी खेतने खाई जा रही है, गैया थोड़ा दी है होगी नहीं, हम ये कह रहे हैं सारी खेती अनाज ही गई खा गई। गौ की ना गारी, इनकी गारी इनकी मानसिकता चेंज ना है भाभी कबू। ये मेरे साथ एक भाई और मौजूद है और ये कह रहे हैं कि मैं टॉर्च दिखाते दिखाते परेशान हूँ, गाय अनाज को सारे खेतों को खा जा रही है। मैं इनसे बात करती हूँ। जी भैया जी का बतावे, 35 किलो मिल लो है और 70 किलो गैया खाई आती रात में, टॉर्च दिखाते दिखाते गैया ने बछड़न से परेशान है, गौशाला में तो आदमी रह रहे हैं। योगी जी ने तो गायों के लिए गौशाला बनवा दी है, गौशाला में तो आदमी रह रहे हैं, गैया कहाँ रह रही है? गैया के लिए कोई देख रेख के लिए कोई आदमी है तो यहाँ कोई ऊपर तन आदमी आ रहा ना, गैया में आदमी रह रहे हैं गौशाला में बताओ तो? आपके आहरण में गौशाला में आदमी रह रहे हैं रहे और काजी देख लो तो चले प्रमाणित काजी टूटा है यहाँ में वो भी विकलांग। ये यहाँ यहाँ उसके लिए ये यहाँ प्रधानमंत्री योजना यहाँ उसमें प्रधानमंत्री योजना में यहाँ मेरे साथ जो भाई मौजूद है इन्होंने कहा कि यहाँ इन्होंने कहा कि गाय जो गायों के लिए कितना इंतजाम कर देंगे, जो गायों के लिए जो गौशाला बनाई गई थी उसमें इंसान मेरे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। बाबा बाबा पानी दे रहे हैं, बाबा घर तक सड़क पहुंचा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, टाइम से सब काम कर रहे हैं, बाबा बाबा खाने के लिए राशन दे रहे हैं और बाबा खाद दे रहे हैं सबके लिए, बाबा हर चीज दे रहे हैं और भैंसों का दूध और गायों का दूध पी लिया और गायों में डंडे मारे भगा दिए छोड़ दिए, बाबा बाबा छोड़ गए गायों को कि हम छोड़ दें? ये कह रहे हैं कि बाबा ने छोड़ी, अरे बाबा ने ना छोड़ी, हम लोगों ने छोड़ी, अरे हम लोगों ने छोड़ी उनके लिए गौशाला बनवाई। गौशाला में ऐसा प्रतिबंध तो किया जाए जिससे आदमी ऊपर से आकर के यहाँ पे रखवाली करे, हजारों गाय मारी जा रही है, इससे गौ हत्या और लग रही है हम लोगों किसानों पर गौ हत्या और लग रही है, हजारों गाय मारी जा रही है, ऊपर से कोई कर्मचारी नहीं जा रहा है गायों की रक्षा के लिए, ना भूसा है ना चारा है, क्या है कुछ भूसा चारा नहीं, नहीं सब कुछ ऐसा। आप देखो पहली बात तो गाय नहीं, इसमें एक विकलांग गरीब बेचारा जिसके पास घर नहीं है कोई साधन नहीं, उसकी व्यवस्था कर दी है। तो वहाँ गौशाला में इंसान क्यों रह रहे, गायों को क्यों नहीं रखा गया? गाय ना है ही नहीं, गाय ला नहीं रहे लोग, ये तो कह रहे हैं कि खेतों उनके लिए बाबा आवास दिलवाए, गायों के लिए आवास दिलवाया है लेकिन उसमें आदमी रह रहे अरे गायों के लिए इन्होंने गौशाला खुलवाई लेकिन आदमी जो रह रहे हैं उनके लिए आवास दिलवाए। मैम सपा सरकार में कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप वितरण योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग योजना, जमुना ताज एक्सप्रेस, ये सुविधा दी गई थी योगी सरकार। मुझे बताइए कौन सी सुविधा दी गई, कोई एक्सप्रेस बना है कहीं उद्घाटन के सिवा कुछ काम? योगी सरकार में तो आवास योजना निकाली गई जिसमें लोगों को आवास मिला, कहीं मिला हमारे क्षेत्र में? कहीं नहीं मिला, हमें बताइए यहाँ मिला, हमारे गांव में मिला, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कम से कम 10 आवास मिले, अभी भी आवास बन रहा है, अभी उदयपुर में बना है, सुनो ग्राम पंचायत आ रहा हूँ, उदयपुर में बना है
ये लाला राम है, आए मास्टर जाओ जाओ, बुला हूँ बुला रहा हूँ। अगर अगर योगी सरकार में आवास बना है, सुनो, अगर अगर योगी सरकार में आवास बना है तो ये गौशाला में, ये गौशाला में इंसान क्यों रह रहे हैं, गाय क्यों नहीं? गौशाला में इसलिए रह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ गाय थी कुछ दिन पहले, जो पुराने प्रधान थे, पुराने जो ग्राम पंचायत प्रधान थे, इनकी गाय है, ये छोड़ते हैं यहाँ पे, और गाय हमारी सरकार कहीं से लाई नहीं है, इन्हीं की गाय है, यही लोग छोड़ते हैं और वो गाय यहीं पे रही, वो गाय क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं गाय को, इनकी गाय यही छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, छोड़ क्यों रहे हैं गाय को, पाल क्यों छोड़ते हैं, गाय को रखना चाहिए, पालतू गाय रखना चाहिए, ये तो कह रहे हैं यही छोड़ देते, आप भी छोड़ देते हैं, नहीं हम क्यों छोड़ते हैं, पूछो ना हम क्यों छोड़ेंगे गाय को, हम चाहते हैं कि योगी सरकार द्वारा आए, जो विकास हो रहा सड़क जी, सड़क बन रही है, सड़क बनी ना, ऐसी कभी जिंदगी रोना बनेगी, हम चाहते हैं योगी बाद मुख्यमंत्री बन गया, हमें आप युवा हैं, आपको क्या मिला योगी सरकार से, लैपटॉप मिला, आपको योगी सरकार के द्वारा जो नौकरियों का वादा किया गया, क्या आपको आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली, जो पढ़ेगा उसको मिलेगी, आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लगाओ, फिर आपको क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं, मेहनत करूंगा तो मिलेगी, हाँ मिलेगी, ये कह रहे हैं मिलेगी नौकरी, मिलेगी कब, 5 साल में कितनी नौकरियां निकली योगी सरकार में, 5 साल में कितनी नौकरियां लगी, कितनी युवा सरकार, युवा बेरोजगार, देखो पल पल पे युवा ये घूम रहे हैं, कितने को नौकरियां मिलेगी, युवा लड़कियां घूम रही हैं, कितने उनको नौकरियां मिलेगी, अच्छा 2022 में कितने किसको ताज पहनाने चाहिए, 2022 का ताज तो जिसके हाथ में है उसको मिलेगा, लेकिन योगी सरकार में ये बताइए कि कितनों को नौकरियां मिलेगी, कौन का आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बना, अब की बार तो मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार बनेगी, अखिलेश सरकार बनेगी क्लियर, अखिलेशी क्यों, अखिलेश युवा लड़का है, उसने 100 नंबर चलाई, इन्होंने 112 नंबर कर, युवा तो राहुल गांधी भी है, युवा राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी को प्रियंका गांधी भी है, अरे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो वो तो केंद्र की बात रही, लेकिन यूपी का चुनाव होने जा रहा है, यूपी में प्रियंका गांधी जिस तरह महिलाओं के लिए 40% यूपी में प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, 40% महिलाओं के लिए बात करें तो आप प्रियंका गांधी को क्यों नहीं, प्रियंका गांधी हमारे यहाँ पर कभी आई नहीं, हमने उनको देखा ही नहीं, हमने तो केवल देखा है, तो उनको देखा है कि जिन्होंने 100 नंबर चलाई, रोड पे डकैत चोरियां मिलती थी वो खत्म हो गई, योगी जी तो कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडाओं को खत्म कर दिया, उन्होंने गुंडा राज खत्म नहीं किया, गुंडाओं को खत्म कर दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई है, रात में भैंसों करब और प्यार डुबे रहे हैं अंत रात में, गुंडागर्दी खत्म है रही है, प्यार और करब चोर ले जा रहे हैं अंत, बदमाश ले जा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है रही है ना, मेरे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और मैं इन महिलाओं से बात करना चाहूंगी और मैं इनसे जानना चाहूंगी, मेरे साथ एक लड़कियां मौजूद हैं, ये जो युवा हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगी, प्लीज बात करिए, आप बेटी हैं, 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने आपके लिए क्या कुछ कार्य किए, क्या कुछ योगी योजनाएं लेके सब कुछ किया है, अरे कुछ किया है, बालक अंदर पूछ रहे थे, पूछो छोटा भाई, ये मेरे साथ एक माता जी मौजूद हैं, मैं इन्हें अम्मा से बात करना चाहूंगी कि ये 2022 का जो ताज है वो किसको पहनाना चाहेंगे, 2022 में मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे, योगी बाबा। तो ये थी मेरे साथ यहाँ आहरण की जनता और यहाँ के लोग, इन्होंने मुझे बताया कि 2022 में ये 2022 का जो मुख्यमंत्री का जो ताज है किसको पहनाना चाहेंगे, मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे, आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की चुनाव यात्रा के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
जिसको लेकर सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्ष मुख्य विपक्षी सपा, सभी यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और पूरे दमखम के साथ सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। हम आज निकले हैं महोबा विधानसभा के श्रीनगर कस्बे में खड़े हैं और ये यहाँ का एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बेलताल तिराहा। यहाँ हम दुकान पर खड़े हैं, लोग क्या सोचते हैं और लोगों का मिजाज क्या है, लोग ये लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस बार यूपी की सत्ता पर कौन आ रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? जगदीश वर्मा। अच्छा, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? सपा की। सपा की आएगी? योगी जी ने तो बहुत काम किया है। योगी जी को झारखंड पे का काम रखा रहो बताओ। अच्छा, नहीं हो रहा काम। आपके यहाँ विधायक किस पार्टी के हैं अभी? राकेश गोस्वामी। कौन सी पार्टी से? भाजपा। अच्छा, तो काम किया है उन्होंने? कुछ कुछ नहीं, नहीं किया। क्षेत्र में देखते हैं कभी? कभी नहीं, नहीं देखते। आपका क्या नाम है भैया? विनोद यादव। अच्छा, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश भैया की सरकार होगी। अच्छा, 403 में 40 विधानसभा सपा की। पक्का? पक्का। योगी जी ने बहुत काम किया है? नहीं, योगी जी ने क्या किया, सीना ब्लॉक अखिलेश भैया ने दिया था। योगी जी एक काम कर पाए श्रीनगर की? अच्छा। विधायक जी 5 साल में आता श्रीनगर, किसी को जैसा नहीं हुए तो बताओ। अच्छा। हमने कहा सीना ब्लॉक ही करवा दो, अखिलेश सरकार ने किया था। अस्पताल की जैसा देखो कहा है आज, ड्रेव भी महोबा होती श्रीनगर में हो नहीं पाती है। अच्छा, योगी जी कह रहे हमने आवास दिए, शौचालय दिया, सिलेंडर दिया, सब कुछ तो दिया है। नहीं, सिलेंडर दिया फ्री में दिया, कितने रेट का बात है? प्रियंका गांधी तो कह रही है महिलाओं को बढ़ावा देंगे, स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं? नहीं, ये सब धुलमेबाजी है, ये सब गोलमाल है। एक तारीख को आज हमने कहा 500 रुपये बहन बेटी को मिलता था, उस सम्मान में 3 गुना 1500 रुपये मिलेगा भैया की सरकार आ जाएगी जब। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मकबूल। तेज बोलो तुम्हें। मकबूल। इस बार किसकी सरकार? इस बार देखिए परिवर्तन होगा जो है। अच्छा, पक्का होगा? हाँ, पक्का होगा परिवर्तन, इसलिए कि जो हमारे श्रीनगर में है, श्रीनगर से कई गांव क्षेत्र देहात लगे हुए हैं, तो हमारे श्रीनगर में मात्र एक राजकीय इंटर कॉलेज है और जो शिक्षा के उसमें जो सरकार बात कर ली है, हमारे श्रीनगर से आकर के देख लें कि राजकीय इंटर कॉलेज में जो वहाँ के सारे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए क्लासें भी मतलब वो टीचर कम है, श्रीनगर इंटर कॉलेज में टीचर भी कम है और उतना मतलब। यहाँ के विधायक जी ने कोई काम किया है? नहीं नहीं, अभी तो मतलब उनके विधायक जी से भी हमने अपने श्रीनगर विकास खंड के लिए मांग की थी, लेकिन उनने उस सीट पे कोई गौर नहीं किया। काम कराया है कुछ यहाँ विधायक? नहीं नहीं, कोई अभी काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ और है। आते हैं आपके यहाँ घूमने? आते रहते हैं, जो उनके जो मिलने वाले हैं तो उनके पास आते रहते हैं। आम पब्लिक के पास तोड़ूंगा आएंगे कि आम पब्लिक की क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। अच्छा, और जैसे आपने विनोद जी से अभी आपने बात की है कि जैसे सरकार ने सिलेंडर दिए हैं, तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि आप जियो की सिम चलाते होंगे, तो जियो की सिम सबसे पहले आपको फ्री में मिली थी, आज कितने का रिचार्ज हो रहा है? वो यूपी सरकार थोड़ी महंगा कर रही है, वो तो केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार में भी तो बीजेपी की सरकार है। सरकार। अच्छा, दोनों भाई, केंद्र सरकार में भी तो बीजेपी की सरकार है, तो उसी का आप सिलेंडर का आप मान लीजिए, पहले इन लोगों ने फ्री में दे दिया, फिर लोगों को उसमें मजबूरी बन जाएगी, जब वो लकड़ी लकड़ी करना भूल जाएंगे, फिर तो खाना बनाना है, आप कड़ुए तेल आप जो सब्जी में डाला जाता है उसका आप ले लीजिएगा। इस बार कौन आएगा? इस बार परिवर्तन होगा, यानी हम कह रहे हैं कि कौन आएगा। अच्छा, और आप बताएं भैया इस बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। पक्का? पक्का, 100%। क्यों? योगी जी ने बहुत काम किए हैं, प्रियंका गांधी भी बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कौन कह रहा है काम किए? अगर कोई काम कह रहा है कि काम किया है तो जमीन पे आके बताए ना क्या काम किया। अच्छा, बताए कौन? मायावती भी बहुत काम करके गई हैं, बता रहे हैं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही उनके समय। हवाई फेंकने वाली बातें चल रही हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इस बार पक्का अखिलेश? अखिलेश। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? सनूप यादव। अच्छा, ये बताओ इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। पक्का? पक्का। अरे यार, योगी जी ने बहुत काम किया है। मायावती ने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी उनके समय, कोई गुंडा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, अखिलेश भैया की सरकार आएगी इस बार। अच्छा, प्रियंका गांधी भी बहुत बड़ी रैली करके गई यहाँ। बस योगी जी तो बुलडोजर चलाना जानते हैं और कुछ। बस बस, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आलोक कुमार है और वर्तमान सरकार जो है अपने यहाँ पे
कई चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पे नहीं, वो सिर्फ कागजों में और हवा हवाई जो इनने बातें करी हैं सिर्फ वही किया है। पूरे 5 साल में आज आप देख लीजिए महंगाई किस दौर से गुजर रही है। अभी अभी जियो का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज हर एक कंपनियों का 20% बढ़ गया। विधायक जी को हमारे यहाँ विधायक जी का सांसद जी पिछले 10 साल से यहाँ पे हैं सांसद, इनने पता है क्या किया पूरे 10 साल में? सिर्फ एक काम किया है, हर मंदिर में जाके एक लाइट लगाई है, इसके अलावा दूसरा कोई काम किया ही नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार, विधायक जी की हम शकल नहीं जानते हैं यार, यहीं के बासिंदे है, कभी आए ही नहीं है। आते होंगे तो वहीं बैठते होंगे जहाँ उनको चाय पिलाई जाती है। अब हमारे यहाँ तो आएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास तो समस्याएं हैं, जिनके पास चाय और बर्फी रखी है उनके पास आते हैं। अच्छा। आम जनता के पास नहीं आते हैं। चाहे इस बार किसकी सरकार आए, इस बार बदलाव होगा, इससे उब चुकी है, केंद्र में होगा 24 में और अभी 22 में वर्तमान में। कौन आएगा, अब कौन आएगा ये तो भविष्य तय करके बताएगा। अच्छा। भैया तुम ये युवा है, क्या नाम है? तौहीद। ये बताओ इस बार किसकी सरकार? सरकार महाराजा जिसकी आए, लेकिन हम सरकार से परेशान है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लड़वा रही है। विधायक जी ने यहाँ कोई काम किए हैं? विधायक जी ने कोई काम, विधायक जी ने क्या काम किए? कुछ नहीं है। जब यहाँ के प्रधान जी देखे, यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको देखना चाहिए ना, विधायक जी कहाँ आते हैं, जिनके काम की है व्यवहार है दोस्ताना है वहीं बस आते हैं, बाकी यहाँ तो किसी गरीब के पास तो आते नहीं है कि आपको क्या दिक्कत है। इस बार किसकी सरकार आएगी बताओ? सरकार तो समाजवादी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाए ना, एक साथ सबका काम करे। अच्छा। और भी हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार है। अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार? इस बार का जिसकी सरकार है वो हमको परेशानियों को बतला रहे हैं कि हम किसान हैं, उसके खाद नहीं मिल रहा है, सब ब्लैक से जा रहा है। अच्छा। एक एक बोरी के लिए मोहताज है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साइकिल भाजपा नहीं जाने, योगी जी ने बहुत काम किया, परेशान हो गए खास से। अच्छा वो लोग किसान परेशान है यार। अरे भैया ये क्या नाम है इस बार? हेलो ये बताओ इस बार किसकी सरकार? सरकार आना चाहिए क्योंकि हम किसान हैं। अच्छा यहाँ तो खेत पे लाइट मिल रही है, बुवाई के लिए खाद मिल रहा है, हमने अब बगैर खाद की बुवाई की है, भगवान भरोस। अच्छा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदलना चाहिए। किसकी आना चाहिए? सपा की सरकार आना चाहिए, किसान परेशान नहीं होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। हमने सब व्यवस्थाएं कराई नहीं, तो मिल तो नहीं रहा है, किसान को कहा था वो नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बगैर खाद की हमने बनाया है, अपना खाद नहीं मिल रहा। भैया क्या नाम है आपका? तुलसीराम कुशवाहा। अच्छा इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? भाजपा की। भाजपा की पक्का? पक्का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया भाजपा ने। अरे बहुत काम किए हैं। अच्छा ऐसा थोड़ी ना है कि जो काम नहीं किए। अच्छा। काम नहीं किया होता तो ये दिखाता क्या? अच्छा आप ये बताओ, हर चीज जो कि फ्री बांट रही है, अब क्या घर से थोड़ी कोई नहीं तो दे देगा? अपने पहले भी तो मिलता था, पहले तो मिला। हाँ कौन कौन दे दिया? चलो बच्चा बताए, सब कुछ खाते है भैया। क्या नाम है आप? सब सुनिए, इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी पक्का? और कोई नहीं आना चाहिए? चलो ठीक है। ये भैया क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार? सरकार सपा। अरे यार भाजपा वाले योगी जी कह रहे हैं बहुत काम किया है। काम की होते तो काम दिखाते ना। अच्छा आपको क्या लगता है किसकी सरकार? लेकिन मिला कुछ नहीं है, आम हम लोग छोटे मोटे गरीब आदमी के बिल्कुल चक्की की तरह कस गए हैं। अच्छा कुछ नहीं मिला है इसमें हमको। अच्छा। लेकिन नहीं हमें इस सरकार में आराम इस चीज का है कि दुनिया की बला दूरी रहती है, इसकी सुना सब कुछ है। अच्छा मतलब बीजेपी रहना चाहिए? यही रहना चाहिए, बीजेपी की आना चाहिए, उसी से चलना चाहिए। अच्छा भैया इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है? हमारा नाम लखन है। इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? भाजपा की। भाजपा की पक्का? पक्का। अखिलेश यादव क्यों नहीं? प्रियंका गांधी भी है, अखिलेश यादव है, मायावती भी है, आपको कौन लग रहा है अच्छा? हमको कोई लगता है नरेंद्र मोदी भाई। जब नरेंद्र मोदी भाई आप देख सकते हैं कि चाय की दुकानों पर, चाय नाश्ते की दुकानों पर सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे के साथ यहाँ अच्छी खासी राजनीति की चर्चाएं भी होती हैं, और हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। लोगों ने कुछ लोग कह रहे हैं सपा आया, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी आए, अब आने वाले चुनाव के क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इसी तरह ग्राउंड जीरो से आपको प्राइम टीवी के इस चुनाव यात्रा से
ग्राउंड जीरो से आपको लोगों का मिजाज दिखाएंगे, आखिर क्या है बुंदेलखंड का मूल। हम निकले हैं महोबा विधानसभा के श्रीनगर कस्बे में और ये श्रीनगर कस्बे का बस स्टैंड इलाका है जहां लोगों की काफ़ी भीड़भाड़ देखने को मिलती है। आइए लोगों की राय जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लोगों का आखिर क्या मत है और लोग क्या सोचते हैं कि इस बार यूपी में किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की? अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठ बोलती है भाजपा, कह रहे कोई काम नहीं किया। नहीं सही बोल, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा सही बोलेंगे पक्का? आप आप यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं दादा से। क्या नाम है आपका? अरे बता दीजिए। हमारा इस्माइल नाम है। किस बार किसकी सरकार? इस बार जो है जब भाजपा है तो भाजपा वोट उसी में डालना है, चाहे जिससे बटन दबा वोट तो जाना है। अच्छा भाजपा की सरकार बने। आप किसकी चाह रहे हैं बने? हम तो चाह रहे हैं कि अखिलेश की बने, लेकिन बनती कैसी है? अच्छा आप किसकी चाह रहे हैं? सब बीजेपी के आदमी बीजेपी की चाह रहे हैं। बीजेपी की बने? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत झूठ बोलती है भाजपा सरकार। अच्छा आप और भी यहाँ पे कई लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे आखिर इस बार क्या है लोगों का चुनावी। क्या नाम है? इस बार किसकी सरकार? बाबा जी की। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठ बोलते हैं बाबा जी। प्रियंका गांधी आई थी बहुत बड़ी रैली की। अच्छा इस बार किसकी सरकार? किसी की भी हो सकती। अच्छा किसकी आनी चाहिए वैसे? वैसे बीजेपी या सपा। बीजेपी या सपा, दो में से एक बताइए। कोई भी हो सकता है। अच्छा कोई भी हो सकता है। अच्छा और भी हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? भाजपा की। पक्का? अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? प्रियंका गांधी भी आएगी। भाजपा है। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार? भाजपा की। पक्का? प्रियंका गांधी आई थी, कह रही थी महिलाओं को स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे लड़कियों को। अखिलेश यादव भी आए थे, कह रहे थे भाजपा झूठ बोलती है, हमने ज्यादा काम कराए हैं। अच्छा सही बोलते हैं भाजपा। आप देख सकते हैं यहाँ और भी यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? भाजपा की आएगी। पक्का? अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अभी कोई काम ही नहीं हुआ। प्रियंका गांधी भी आई थी तो सब लोग आए, तो क्या सरकार की सरकार बनेगी? किसी की बनेगी? भाजपा बनेगी। अच्छा तो यहाँ ये भी बैठे हैं, इनसे दादा से भी जानते हैं कि आखिरकार क्या नाम है आपका? रतन लाल का। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की? अरे प्रियंका गांधी आई थी अभी, अखिलेश यादव भी आए थे। प्रियंका गांधी का ना रहे हैं। हाँ अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने ज़्यादा काम किया, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। बाबा जी आएंगे? बाबा जी आएंगे। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं दुकान के लोग भी बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार? भाजपा ही बननी चाहिए, भाजपा ने कोई लाभ दिया हम लोगों को। अच्छा लाभ दिया है आपको? पता नहीं दिया, झूठ बोलने का क्या नाम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं किया भाजपा वालों ने, यह है। आप इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं किया भाजपा ने, प्रियंका गांधी भी आई थी, कह रहे थे झूठ बोलते हैं लोग। भाजपा ने बहुत काम किया जो है। अच्छा गुंडागर्दी खत्म कर दिया। अच्छा तो आप देख सकते हैं कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं सपा आएगी। अब आने वाले चुनावों में परिणाम सामने आएंगे, आखिर सरकार किसकी आएगी और कौन यूपी की सत्ता पर काबिज होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसी को लेकर लोगों के बीच हम निकले और आगे भी लोग ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि आखिरकार बुंदेलखंड की जनता का और महोबा जिले की जनता का क्या मूड है और लोग किसको चाह रहे हैं इस बार सत्ता में वापस आए। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज़ महोबा।